वहीं उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में प्रदेश के उद्यान एवं कृषि विपणन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश प्रताप सिंह ने पहुंचकर विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। राज्य मंत्री द्वारा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लाभार्थियों से मिलकर सुविधा व समस्या की जानकारी ली। वहीं प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लाभार्थियों ने इस योजना की सराहना करते हुए इसे गरीबों के लिए लाभकारी बताया। एक जिला के उत्पाद में चयनित दाल प्रसंस्करण उद्योग के लिए चयनित मसूर दाल और दाल से बने उत्पादों पर तेजी से काम करने के लिए राज्यमंत्री ने उद्यमियों को प्रोत्साहित किया। राज्यमंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि हमें खुशी है कि बलरामपुर में रेहड़ी पटरी वाले व उद्यमी सभी सरकार की नीतियों का समर्थन करते हैं। केंद्र एवं प्रदेश सरकार हमेशा लोगों के विकास के लिए तत्पर है। कि आज हम रेहड़ी पटरी वालों का हाल चाल लेने के लिए माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशों के अनुपालन में बलरामपुर में उपस्थित हैं और एक भी रेहड़ी पटरी वाले से लेकर के उद्योगपति ने नहीं कहा कि सरकार की किसी नीतियों से मुझे कोई तकलीफ है। ये हमारे लिए संतोष और सौभाग्य की बात है कि हमको आज बलरामपुर का सब कोई हमारे सरकार की नीतियों को सहर्ष स्वीकार कर रहा है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को, जिनके बारे में जिन्होंने ऐसी बात सोची कि सरकार जनता के द्वार जाए और जनता के द्वार जा करके अपनी जो भी उनकी ज़रूरतें हैं, जो भी उनकी शिकायतें हैं, जो भी वो चाहते हैं उनकी बात सुन करके और